आइए बैठिए प्रिया कुमार, बैठिए कंफर्टेबल हो जाइए। आप प्रिया कुमारी हिंदी या अंग्रेजी किसमें इंटरव्यू देना चाहेंगे? हिंदी देना चाहेंगे, ठीक है। आपके देखिए कि पिता फार्मर थे, तो कहाँ पर खेती होती है आप लोग के परिवार की, किस जगह पर? बक्सर में। क्या मेन प्रोड्यूस क्या होता है वहाँ पर आपके खेतों में? चावल होता है। चावल होता है। चावल की धान की कुछ वैरायटियों के नाम बताएंगे, जो किस किस वैरायटी के सीड्स आप लोग उपयोग करते हैं? उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अभी किसानों की समस्याओं को लेकर कुछ कानून बने थे, कृषि सुधार कानून, उनका बहुतों ने काफी विरोध भी किया। क्या थे मुख्य कानून और विरोध का क्या कारण था, इस पे कुछ बताइए। सर, इसमें जो मेन था वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके था, कि जैसे अगर बहुत सारे किसी को अपना कोई प्रोड्यूस अगर बेचना हो तो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग उनको पहले ही वो जो भी उनका प्रोड्यूस का प्राइस रहता वो मिल जाता, और फिर वो लोग उस कंपनी मतलब जो भी था वो कंपनी के साथ बॉन्डिंग थी सर। लेकिन उसमें उन लोगों का विरोध ये था कि इसमें कोई प्रॉपर कानून नहीं था, अगर वो कहीं इसके लिए केस करने जाते तो वो ब्यूरोक्रेट्स के मतलब उसमें फंस जाते, उनको लगता कि हमारे प्रोड्यूस के लिए सही से कीमत नहीं मिलती और ना ही उसके लिए, क्योंकि उन लोगों का नेक्सस एजेंसी वालों इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ भी रहता, तो इनके पक्ष में भी न्याय नहीं आ पाता। तो ये मेन रीजन था। और दूसरा रीजन था सर MSP को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेके, तो जो इसमें मंडी सिस्टम है उसको सरकार ऐसा सरकार ने कहा तो नहीं था कि वो हटाने वाली है, लेकिन किसानों को ये डर था कि MSP हट जाएगा, जिसमें हरियाणा और पंजाब के किसान काफी इसके लिए सर वरिष्ठ थे। ठीक है, चलिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका ये था, तो ये बताइए आप मुझे, ये आपने चिप्स, क्या चिप्स का क्या क्या काम होता है चिप्स का? सर चिप्स सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, वॉशिंग मशीन में भी चिप का प्रयोग होता है, या फिर सर माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होता है IC उसके प्रयोग होते हैं, सर ट्रैफिक लाइट सिग्नल में भी लगा होता है। तो सर जो भी ये फंक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोसेस करवाता है, जिसमें चिप्स में सर डायोड ट्रांजिस्टर ये सब उनको इनबिल्ट किया जाता है फंक्शनिंग के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात हो रही है, कुछ लोग इससे खतरा भी बता रहे हैं, इसके संबंध में कुछ बताएंगे क्या खतरे हो सकते हैं? सर खतरा सबको ये लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जॉब चली जाएगी सर, क्योंकि वो ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो भी उसमें प्रोग्राम फीड किया हुआ है उसके बेसिस पे वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो विकसित हो जाएगी, और जो भी मशीन है वो अपने इंटेलिजेंस पे काम कर लेगा। जैसे कि हेल्थ सेक्टर है, इसके थ्रू सर जैसे अगर उसमें जो भी डेटा है उस पे वो जो भी इलाज है, अगर कैंसर का ही इलाज है, तो सर उसके थ्रू वो मशीन खुद ही रोबोट उसका ऑपरेशन कर सकेगा, और उसमें जो भी अगर किसी डिजीज के लिए फंक्शंस हैं तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि क्या डिजीज है और इसमें क्या करना है। और इसी तरह सर लेबर सिस्टम में इंडस्ट्रीज में भी रोबोट से काम लिया जा सकता है। ठीक है, प्लीज। अच्छा, आपका क्या रोल होगा CDPO में? सर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है जो ICDS के थ्रू लागू होती है उनको इंप्लीमेंट करवाना सर मेरा रोल रहेगा। कोई दो चार वर्क का नाम बताएंगे? सर जैसे स्टंटिंग मैल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जा रही है आंगनवाड़ी के थ्रू, सर जैसे सॉरी सर मैं अभी स्कीम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन एनीमिया को कम करने में या इम्यूनाइजेशन को कम करने के लिए इंजेक्शन लगाया जा सकता है, या फिर मिड डे मील स्कीम जो चलती है सर उसको इम्प्लीमेंट कर। मिड डे मील का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है कैसे चेक करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे कि वहाँ पे जो लोकल एम्प्लॉय होंगे वो लोग बना लेती हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन है कि नहीं है? सॉरी सर मैं कैसे चेक करूंगी ये तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन जैसे सर मिड डे मील स्कीम में 450 कैलोरीज प्राइमरी स्तर पे और अपर रेशियो फिक्स करेंगे ना, कितना दाल होना चाहिए, कितना चावल होना चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप न्यूट्रिशन चेक कर सकते हैं। जी सर ऐसा उसमें लिखा हुआ सर मुझे, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो खिचड़ी है ये सब बस यूं ही है,
बहुत बार ऐसा न्यूज में आता है कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुआ है, बच्चे लोग बीमार पड़ गए हैं, कभी कीड़े निकलते हैं, कभी गिलगिट निकलता है, ठीक है, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सर ये तो जैसे जो भी अगर फूड आता है तो वहाँ की जो सहायिका है वही इसको कर सकती है, उसको प्रॉपर चेक करके और तभी बनाए। तो सर अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो मैं उस पर एक्शन लूंगी कि क्यों नहीं इसको चेक किया गया या फिर इसमें मतलब कहाँ पे लूप होल है। सर ठीक है, आप पोलियो को कैसे बैलेंस करेंगे? सर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें पोलियो इरेडिकेशन काफी हद तक हो चुका है सर बिहार में। तो सर जो भी उसमें पोलियो ड्रॉप लगाए जाते हैं जो आशा वर्कर्स के थ्रू जनरली लगाए जाते हैं, तो उसको मैं कोशिश करूंगी कि कितनी बार मैंने खुद भी देखा इस चीज को, मैंने अपने घर में भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो फैमिली मेंबर है वो चाहते नहीं है जनरली गाँव में कि वो बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाए। तो सर मैं उसके लिए अवेयरनेस फैलाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि उनको बात करके मैं समझा पाऊँ। ये सिलेक्शन होने से पहले तक की बात है या सिलेक्शन होने के बाद की बात है? सही सर मैंने समझा। मतलब आप जो उन्मूलन फैलाएंगे, आप अवेयरनेस देंगे लोगों को, तो ये सिर्फ सिलेक्शन होने से पहले तक है या सिलेक्शन होने के बाद ये इम्प्लीमेंट करेंगे आप? सर बाद में तो इम्प्लीमेंट करूंगी लेकिन पहले भी सर मैंने जैसे ऐसा तो नहीं है कि हो जाने के बाद फिर चलो तो सर वो मेरा काम है ऐसे कैसे छोड़ूंगी। ठीक है, अच्छा कन्या योजना क्या है? कन्या योजना में सर सॉरी कौन सी कन्या, जैसे कन्या उत्थान योजना? कन्या उत्थान योजना सर कन्या उत्थान योजना जो बिहार में चल रही है वो बचपन बेटी के जन्म से लेके और उसकी ग्रेजुएशन करने तक के लिए उसमें मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है, उसके लिए कुछ सहायता दी जाती है। जैसे कन्या के जन्म पे 2000 रुपए दिए जाते हैं, उसके आधार कार्ड की रजिस्ट्रेशन पे 1000 रुपए दिए जाते हैं सर, इसमें इम्यूनाइजेशन पे भी अमाउंट मुझे नहीं याद है सर 10th क्लास पे 10000 रुपए दिए जाते हैं, 12th पे फिर 15000 दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 25000 दी जाती है, सॉरी सर ग्रेजुएशन के बाद 50000 दिया जाता है उसको करने पे। तो ये सारे स्कीम्स उसके अंदर। और प्रधानमंत्री कन्या योजना? प्रधानमंत्री सुकन्या योजना सर, सर सुकन्या योजना में जैसे बेटी जब तक 10 साल की नहीं होती है तब तक उसके नाम पे अकाउंट खोल के और उसमें उसकी शादी के लिए जनरली पैसे जमा किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे एक्ट बनाए गए हैं जो CDPO जितने भी अधिकारी होते हैं वो इस चीज का ख्याल करते भी हैं कि जो भी गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उस गर्ल्स के साथ कुछ भी मिसबिहेव हो, बैड टच हो, तो उसके लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं। क्या है ये? सर इसमें अगर लड़की हो या लड़का दोनों के लिए एक्ट बनाया गया है, अगर उसके साथ कुछ मिसबिहेव किया जाता है तो तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है और इसमें बेल का प्रावधान भी नहीं है सर। कुछ डिफरेंसेस है नॉर्मल से एक्ट में और पॉक्सो एक्ट में? सर पॉक्सो एक्ट सिर्फ बच्चों के लिए ही है और बाकी अगर कोई एक्ट है जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है तो वो अगर वर्क प्लेस पे अगर वुमन के साथ कुछ मिसबिहेव होता है उसके लिए सर। तो क्या इसमें कुछ डेथ तक का कुछ नहीं मिला है? डेथ का पॉक्सो में? सॉरी सर मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत मायने करता है, टाइम टू टाइम टीकाकरण बहुत मायने करता है, वैक्सीन मायने करता है, तो 5 वैक्सीन का नाम मुझे बताएंगे जो 0 से लेके 1 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। जी सर, सर इसमें BCG वैक्सीन है, DPT वैक्सीन है, पेंटावेलेंट है, तो पोलियो ड्रॉप भी है, पोलियो लेकिन ड्रॉप है सर, ये पोलियो ड्रॉप ओरल वैक्सीन है सर, ओरल वैक्सीन। सर अभी इतना याद है। बच्चों लोगों को क्यों नहीं दिया गया कोविड वैक्सीन? सर क्योंकि बच्चों में चेंजेस होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम बार बार चेंज होते रहता है और वो अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं इस पर अभी सर उतना रिसर्च नहीं हो पाया है, मतलब चेक नहीं कर पाया। तो सर फिर भी 11 साल के बच्चों को दिया जा रहा है, 11 से 14 साल के बच्चों को दिया जा रहा है। उससे पहले को नहीं दिया जाता? सर उसके पहले सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक सर, सर ये दोनों मिशनरी स्कूल है। तो आप जब भी अपने स्कूलिंग के दौरान कभी आपने ऐसा प्रभाव देखा कि धर्मांतरण का कुछ ऐसा इश्यूज आ रहा है या ये अपने आगे जब कुछ ज्यादा फोर्स करते हैं कुछ ऐसे इश्यूज? मैं ऐसा कभी नहीं देखा। नॉर्मल स्कूल्स और मिशनरी स्कूल्स में कोई डिफरेंसेस जो आपको फील हुआ?
सर इनका हिस्टोरिकल टाइम से ही, जैसे ब्रिटिश टाइम था तभी से ये लोग शुरू से ही एजुकेशन को लेके इन्होंने आगे रहे। तो सर नॉर्मल स्कूल में ये है कि मतलब थोड़ा उनसे इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है और डिसिप्लिन है वो थोड़ा उनसे अच्छा है सर। उनसे अच्छा है, ये बात आपने की कि और कोई ऐसा स्पेशल प्रिविलेज कि अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो कुछ आपको फीस वगैरह कुछ ऐसा इश्यूज आपने? नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, अभी आपने बीटेक किया आपके तो आप ये बताइए कि आपका जो ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हम इस वर्क के लिए आप चयनित होने वाले सीडीपीओ के लिए, आप अपने ब्रांच को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप अपने टेक्नोक्रेट माइंड को इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि ये लोगों के लिए और ज्यादा बेटरमेंट हो? सर इसका जैसे प्रॉपर सेमीकंडक्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोई यूज तो नहीं है इसमें, लेकिन जैसे सर जितना भी पोर्शन ट्रैकर ऐप चल रहा है या फिर डेटा एंट्री जो भी कंप्यूटर्स पे हो रही है तो उसमें सर यूज कर सकती हूँ। जैसे कि पोर्शन ट्रैकर ऐप में काफी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ये इसको मतलब यूज नहीं कर पाती है ढंग से जी सर, या फिर ऐसा भी कर सकती हूँ कि जैसे कुछ आंगनवाड़ी में से एक किसी लेडी सुपरवाइजर को उस पे ट्रेन करके और उसके अंडर वो अपनी आंगनवाड़ी में नीचे उनको ट्रेन कर देंगी तो उससे सर उस पोर्शन ट्रैकर पे डेटा फीड करने में इजी हो जाएगा सर। अभी जैसे बिहार में हम गर्ल्स हैं तो यहाँ पे आरक्षण कितना है सर? जैसे अगर एजुकेशन या जॉब्स में 35% तो आपको मुझे लगता है कि ये 35% आरक्षण गर्ल्स को एक तरफा देना कहीं ना कहीं समाज के लिए बॉयज के प्रति ये नेगेटिविटी फैलाती है, कहां से ये बात सही आपको? नेगेटिविटी नहीं फैलाती है इसमें उनके, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मौका तो सबके लिए होना चाहिए, अगर गर्ल्स के लिए कुछ करना है तो उनके पढ़ने टाइम भी कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उनका जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ जाए, एग्जाम सबके लिए समान होना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? सर ऐसा लगता है ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन सर जहाँ तक मुझे लगता है अभी वो टाइम प्रॉपर नहीं आया है, वो प्रॉपर टाइम नहीं है सर, अभी कुछ टाइम होना चाहिए इसमें, जैसे कि क्योंकि पहले से ही गर्ल्स को पढ़ाने को लेके या फिर किसी भी एग्जाम में लेके उतना सर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। और सर जैसा मेरे साथ भी हुआ है कि मतलब बाहर जॉब करने नहीं जाना है या पढ़ने नहीं जाना है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मैंने खुद भी फेस किया है, तो मुझे लगता है सर कुछ ये डिस्क्रिमिनेशन कम मार्क्स पे सेलेक्ट हो जाने से कैसे रिलेटेड आपका समझ में आ गया? आरक्षण की वजह से तो ये होगा ना कि जिनको आरक्षण नहीं मिला उनका 100 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, आपको आरक्षण है तो आपका 90 नंबर पे मिल रहा है, तो घर वाले कैसे चेंज हो गया इस बात पे कि ठीक है 90 पे सेलेक्ट हुआ तो ठीक है 100 होगा तो नहीं जाने? नहीं सर उसकी वजह से मतलब मैं अपने आप पीछे के मेरा जो जनरेशन है मैं उसको उतना काबिल ही बनाऊंगी कि उसको रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको कास्ट बेस्ड सिस्टम रिजर्वेशन की मिली लगती? जी सर बिल्कुल रखती हूँ, उनके साथ भी जैसे हिस्टोरिकल जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से वो सोशली बैकवर्ड रह गए हैं, तो अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो अपने पीछे के जनरेशन को सुधार। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन रिक्वायर्ड? सर कास्ट बेस्ड अभी तक तो है क्योंकि इंडिया में सर कास्ट सिस्टम बहुत अंदर तक घुसा हुआ है, तो उसमें ऐसा भी है कि सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन की नहीं जरूरत है लेकिन वो कास्ट की वजह से इसको इसका फायदा उठा लेते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं लूप होल है सर, लेकिन कास्ट बेस्ड कास्ट की ही वजह से वो लोग पीछे भी रह गए हैं। ठीक है आप जा सकती हैं।